और इस बीच सीतापुर से खबर आ रही है जहां गैस सिलेंडर फटने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इंटौजा के विंदेश्वरी आलू कोल्ड स्टोर में यह हादसा हुआ है जहां पर गैस का सिलेंडर फटा और इस बीच चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो सीतापुर से खबर जहां आलू कोल्ड स्टोर में यह हादसा हुआ है जहां पर गैस का सिलेंडर फटा और चार लोगों की मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि पूरा मामला सीतापुर जहां पर इंटौजा के विंदेश्वरी आलू कोल्ड स्टोर में गैस सिलेंडर फटा जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर से जहां गैस का सिलेंडर फटा है। विंदेश्वरी आलू कोल्ड स्टोर ये फैक्ट्री जिसमें गैस का सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि इंटौजा के विंदेश्वरी आलू कोल्ड स्टोर में ये हादसा हुआ जहां गैस का सिलेंडर अचानक फटा और इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस बल और प्रशासन मौके पर मौजूद है। और तमाम जानकारी के साथ सरताज हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सीतापुर से। सरताज, किस प्रकार से हादसा हुआ और अभी क्या कुछ ताजा अपडेट्स? जी सुनीता जी, आपको बता दूं कि लखनऊ के इटौंजा के विंदेश्वरी आलू कोल्ड स्टोरेज का पूरा मामला है जहां पर एक अमोनिया गैस के सिलेंडर फटने की वजह से तकरीबन चार लोगों की मौत हुई जिसमें दो लोग सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र के गांव के हैं जिनकी मौत हो गई है। मजदूरों के गांव की मौत, जब मौत की सूचना उनके गांव पहुंची तो गांव में अफरा तफरी का माहौल मचा और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में तनाव का माहौल था, स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे और जब उनके गांव के मजदूरों के शव जब सीतापुर पहुंचे हैं तो आला अधिकारियों के पहुंचने से स्थिति को सामान्य किया गया। जी, अब इस पूरे मामले में सरताज क्या कारणों का खुलासा हो पाया, किस वजह से यह हादसा हुआ और जिन मजदूरों की मौत हुई है उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुआवजे की कोई राशि या किस प्रकार से वहां पर सांत्वना दी जा रही है जो लोग वहां पर मौजूद हैं? जी सुनीता, आपको बता दूं कि मौके पे जो आला अधिकारी पहुंचे हैं अभी तक उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की घोषणा नहीं की गई है मृतकों के लिए। हालांकि गांव में जब तनावपूर्ण स्थिति थी उस वजह से जो आला अधिकारी गांव पे पहुंचे हैं उन लोगों ने लोगों को समझाया है, परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। और जहां तक कोल्ड स्टोरेज के मालिक की बात कही है तो मालिक से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। दर्दनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है और रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। सीतापुर का है यह हादसा जहां पर आलू कोल्ड स्टोर फैक्ट्री में यह हादसा हुआ जहां पर गैस का सिलेंडर फटने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है।